हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डिम्पल एंड आप देख रहे हैं ऑलवेज डिम्पल सिंपल। आज हम एक नई प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की है। ये है ना, इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें आप चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं और गर्म पानी भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ना इसकी बॉक्स है। मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया हुआ है और मैंने इसको चलाया भी है। इसके बाद मैं आपको कुछ रिव्यूज़ दे रही हूँ इसका। तो देखिए आप, ये 2.0 लीटर्स का है इलेक्ट्रिक केटल्स और ये ना आपको 450 से 500 के बीच में मिल सकता है। किसी भी साइट से आप देख लीजिए, मैंने तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइट से मंगवा सकते हैं। ये बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है। तो देखिए, इसके साथ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई है, ये आपको रीड करनी होगी और देख सकते हैं आप। तो देखिए आप, इसके साथ ना ये एक बुकलेट आई हुई है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। हमको इसको फॉलो करना होगा, जब भी केटल का यूज़ करें तो पहले इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये ना केटल्स के साथ अटैच करना होता है और उसके साथ ना ये केबल और ये प्लग दिया गया है। इसको हमें स्विच ऑन और ऑफ करते वक्त प्लगिंग करना होगा। और अब ये रही हमारी फाइनल केटल्स। तो देख सकते हैं आप, ये 2.5 लीटर की है। तो देखिए आप, इसके साथ ना एक ये स्विच आता है, इसको हम ऑन और ऑफ करके इस ढक्कन को बंद करेंगे। इसके साथ और भी यहाँ पर भी एक स्विच है, इससे ये ढक्कन खुलने वाला है और इसको ना बंद करने के लिए ये ढक्कन दिया हुआ है। तो इससे ना इस स्विच से ये ढक्कन लॉक हो जाएगा और इससे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसका इंटरनल लुक आप देखिए, हो गया। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये ना हमारा जो ये राउंड राउंड है, ये प्लग है, इसको केटल के साथ अटैच करना है। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा इस तरह का जो दिया गया है, हमको इसको इसके साथ अटैच करना है। देखिए आप, ये अटैच हो गया और इसके साथ ना एक स्विच आता है। देखिए आप, नज़दीक से आपको दिख रही, ये ना इसका लाइट का है, इंडिकेटर है ये। ये जब भी हम चाय पानी या कुछ भी बना रहे होंगे तो जब ये अपने आप हो जाएगा तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा और ये आपको लाइट चलना बंद हो जाएगा। तब आप समझ जाना कि ये हमारा जो भी बना रहे वो तैयार है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या बन सकता है। तो एक तो पानी गर्म कर सकते हैं, दूसरा चाय बना सकते हैं और तीसरा कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो जब भी चाय बनाना हो तो ख़ास ध्यान रखें। तो अब हम इसमें चाय बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको कि चाय कैसे बनाते हैं। तो जब भी चाय बनाए तो इसमें डायरेक्ट दूध मत डालिएगा, क्योंकि दूध वाली चाय बनाएंगे तो ये उभर के बाहर आ सकती है। तो जब भी चाय बनाए तो सिर्फ पानी, चीनी और चाय ही मिलाए और इसमें सा इसमें ना थोड़ा सा घोल के मिक्स करिएगा पहले। और फिर इसके बाद इसका खास एक लेवल होता है मिनिमम और मैक्सिमम का, जो कि इसमें आपको अंदर के पार्ट में दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको ये फिल करना होगा। जितने भी आपके घर में मेंबर्स है उसके हिसाब से आप इसके अकॉर्डिंग चाय और सब बना सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग से मेज़रमेंट खास फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जब भी पानी, चीनी और चाय डालें तो पहले थोड़ा सा घोल लें और उसके बाद ना इसके लेवल तक डालकर ये ढक्कन खास तरीके से बंद कर लें। ये ना बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए। ये ना ये स्विच, यहाँ पर आपको ये स्विच दिया गया है तो इसी से आपको ये लॉक कर देना और यहाँ से भी लॉक कर देना, ठीक है।
ये लॉक हो चुका है। तो उसके बाद आप इसको उबालने के रख दीजिए, उबालने के लिए रख दीजिए। और फिर जब ये चाय बन जाएगा तो आपको एक कटआउट दिखेगा और फिर ये लाइट जलनी बंद हो जाएगी। मैंने आपको दिखाई वो लाइट जलनी बंद हो जाएगी, तब हमारी चाय रेडी है। और उसके बाद अब हम दूध वाली चाय पीना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि ये जो हमने चाय उबाली है, जो ब्लैक टी है, तो उसको ना 2 मिनट के बाद ही हम इसका ढक्कन खोलकर ऐसे इसकी भाप को निकल जाने देंगे। फिर इसके बाद ना हम इसमें जो गर्म किया हुआ दूध है हमारा, वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, उसको हम इसके बाद ऐड करेंगे। और फिर ना हम सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही उसमें डालकर इसको फिर से प्लग इन करके रख देंगे। और जब ये इसको, हमको ये खास ध्यान रखना है कि उसमें कटआउट नहीं होना चाहिए। कटआउट होने से पहले ही हमको लगे कि ठीक है अभी हमारा दूध मिक्स हो चुका है इसमें, तभी हम इसको स्विच ऑफ कर लेंगे, तभी हमारी चाय अच्छे से बनेगी। वरना अगर हम इसको ना दूध के साथ ऐसे ही कट ऑफ के लिए हम इंतज़ार करते रहेंगे कब कट ऑफ होगा और हम इसको उतारेंगे, तो हमारी चाय उभर भी सकती है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। इसी तरह से कॉफ़ी में भी खास ध्यान रखेगा। तो अब आप हमें बताना कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। और आप अगर इसको कुछ परचेस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जिसको ना पता नहीं होता कैसे चलाना होता है, कैसे सब करना होता है, तो वो इस तरह से मेरी वीडियो देख के इसको परचेस कर सकते हैं। ये ना कोई मेरा पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये ना जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उस वक्त ना ये कोई भी काम कर सकता है। इसमें उबालना और ये सब चाय तैयार करना बहुत आसान रहता है। जब भी कोई पीजी में रहता है, अभी हमारा कोई स्टूडेंट हो हमारे घर का, या फिर कोई अकेले पर्सन रहता है जो जॉब करता हो, उसके पास वक्त ना हो, तो ये आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ना इसको जब साफ करना होता है, तब भी आपको इसको 2 या 3 बार सिर्फ अंदर से पानी डालकर ही साफ करना होता है। हो सके तो लिक्विड अवॉइड कीजिएगा। अगर करना ही पड़ता है तो खास ध्यान रखें कि इसके साथ जो ये प्लग दिया गया है इसमें नीचे, तो इसमें पानी ना जाए। बाकी आप जैसे भी चाहें इसको साफ़ कर सकते हैं। केयरफुली आपको हैंडल करना है तो फिर इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये बहुत साल तक चल सकती है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आपको परचेस हो करना हो, और अगर आपने परचेस किया भी हो, तो आप मुझे इसके कुछ रिव्यू ज़रूर देना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है।